खेल दिवस के दिन आज से 9 साल पहले खेलों का जो हाईएस्ट सम्मान है, खेल रत्न पुरस्कार मिला था रंजन सोढ़ी को, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन ओलंपियन। रंजन, अब आप खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन खेलों को आज के दिन काफ़ी जगह खेलों को कंट्रीब्यूट करने की बात हो रही है, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये ना बोलिए, खिलाड़ी नहीं हूँ खिलाड़ी अभी भी खेल लेते हैं, कॉम्पिटिटिव हाँ वो नहीं है, बट आज के डेट में ये तो अभी बोला गया है सबने के करिए आज, बट स्पोर्ट्स करिए आज की डेट में, लोगों को खिलाओ, कंपटीशन करो। मैं तो बहुत महीने पहले ही कर दिया था। करेक्ट, आपने देखा ही होगा, ये तो शूटिंग कंपटीशन है, 10 मीटर भी हो रहा है, शॉटगन भी हो रहा है, और बाकी स्पोर्ट्स को भी हम कर रहे हैं मानव रचना संस्था के साथ। हाँ जी। सो इसमें ऐसा है कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हम, मेरे को ये लगता है, बट इफ़ यू मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस यू नो फॉर द होल, गिव बैक टू द गेम, वी हैव टू, एंड इफ यू डोंट डू दैट तो हमारा क्या फ़ायदा? देखो, अगर हमें खेलों ने रंजन सोढ़ी मेरे को बनाया है तो रंजन सोढ़ी क्यों है? खेल के लिए, अगर हम खेलों के प्रति अगर कुछ नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक जो चीज़ है कि जो हम लोग पहले भी बात करते थे, जब आप ओलंपिक्स में जा रहे थे, वर्ल्ड नंबर वन थे, हम लोग ये बात करते थे कि हम स्पोर्टिंग नेशन बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमारा लेकिन जो लेवल है, अवेयरनेस लेवल भी 5-6% के आसपास है। आपको लगता है, जैसे मैं अभी यूनिवर्सिटी में देख रहा था, फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर और एनबी मिनिस्टर राठौर भी आए हुए, ओलंपिक मेडलिस्ट, और वो जो एक सिस्टम है कि जहाँ पे हर कोई भी गेम हो वो ज़रूर एक बच्चा कम से कम एक स्पोर्ट पकड़े। बिल्कुल ठीक बात है, इकट्ठे मिलकर चलना है, एक आदमी चेंज नहीं कर सकता ये। हमें एज अ नेशन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि स्पोर्ट इज़ समथिंग, जो एक ऐसा मीडियम है जो सबको जोड़ता है। अब आपको मैं छोटी चीज़ बताऊँ, मैं हमेशा कहता हूँ, जब इंडिया जब वर्ल्ड कप जीती थी 2011 में क्रिकेट का, तो मैं जब रोड पे देखा सब एक ही चीज़ कह रहे थे, इंडिया इंडिया, भारत भारत, और सब इंडिया गेट जा रहे थे विदाउट कास्ट कलर। सो स्पोर्ट सबको जोड़ता है, एज ए नेशन जोड़ता है, स्पोर्ट्स यूनाइट द वर्ल्ड। करेक्ट, एक तो कल मैच भी आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान। बिल्कुल देखा था, रात तो देखा था, और इंडिया जीत गई, लास्ट ओवर में जीती है। सो स्पोर्ट्स हर कुछ मैं देखता हूँ, वेदर कॉमनवेल्थ में वेट लिफ्टिंग हो, लॉन बॉल्स का किसी को पता ही नहीं था, स्टीपल चेज में पहली बार लॉन बॉल्स, आप लॉन बॉल, मैं बहुत देर से फॉलो करता हूँ। सो पूछ लीजिए जो भी रूल्स रेगुलेशन, शायद आपको नहीं पता हो, मेरे को पता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो 2010 में पहली बार देखा था लॉन बॉल्स, और मुझे लगा अच्छा ये भी गेम है। हाँ जी, हाँ, क्योंकि कॉमनवेल्थ में यहाँ पे इंट्रोड्यूस गोल्ड आया, यहाँ गोल्ड आया, और स्टीपल चेज में देख लीजिए 5 एडिशन से कीनिया, और बहुत बड़ा वो तो खैर बिगेस्ट, इस कॉमनवेल्थ का बिगेस्ट अचीवमेंट था। ये चेंज जो आप कह रहे हैं, ये चेंज तो हो रहा है इंडिया के अंदर, ये स्पोर्ट्स में जो चेंज आ रहा है, क्रांति आ रही है, ये हो रहा है, लोगों को अब समझ आ रहा है। और इसमें मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, फेडरेशंस का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, स्पॉन्सरशिप मिल रही है, गवर्नमेंट मनी स्पेंड कर रही है, लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं, प्राइज मनी मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। रंजन, सही मायने में देखें तो स्पोर्ट अभी भी बहुत, मतलब जो आपने जब आप लोग जब कर रहे थे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट और अभी, उसमें फ़र्क ज़रूर आया, लेकिन आपको लगता है कि पेस बढ़ाने की ज़रूरत है? मतलब हम कम से कम खेलना शुरू करें, लोग तो अदरवाइज 40-45 साल में आप स्ट्रेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन लोगों को हो रहा है। देखो अभी जैसे ड्यूरिंग द लॉकडाउन आप देखेंगे कितने लोग साइकिलिंग, कितने लोग वॉक करने, लोगों के पास काम ही नहीं था तो उन्होंने ये शुरू किया, अब लोग फॉलो तो कर रहे हैं। एंड आई थिंक आफ्टर अ सर्टन एज अब लोगों को थोड़ा सा पता चला है कि क्या द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन देयर लाइफ। एक एक नंबर अगर लें, जब आप आते थे तो कितने लोग नेशनल्स में आते थे और अब कितने लोग नेशनल्स में आते हैं? अभी तो यहाँ पे शूटिंग में, अगर हाँ शूटिंग में तो अभी यहाँ बैठने को या खड़े होने को जगह नहीं होती थी। करेक्ट, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, हम लोग आते तो उसमें तो मतलब शूटर्स ही, मतलब 20-50 उस टाइम खाली होता। सो एक चेंज आ रहा है, शूटिंग एक्सपेंसिव स्पोर्ट है तो थोड़ा सा इसमें फाइनेंशियल भी होता है कि यू नो पीपल फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड समटाइम्स अफोर्ड दैट, बट काफ़ी फ़र्क आया, और मैं समझता हूँ इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आपको लगता है कि हम उस दिशा में हैं जहाँ पे
जो मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में, वहाँ पे नंबर इसीलिए मेरा बढ़ा, हम लोगों का बढ़ा है और हम उस दिशा में सही ट्रैक पे। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं कल बजरंग पुनिया से बात कर रहा था, मैंने कहा था आप कहाँ पे आइए, तो वो कहते हैं मैं तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा अभी तो गोल्ड मेडल जीता है, कहते तो क्या हो गया और नहीं जीतना, US में है। सो अब ये देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन भी ये नहीं कि जीत के बैठ जाते हैं। अब नीरज को भी देखिए, कल भी डायमंड लीग में है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, फाइनल एक एंड करना चाह रहे हैं इस पे कि आज तो सब इंडिया पाकिस्तान की बातचीत कर रहा है, आपके लिए बेस्ट मोमेंट कौन सा था? मेरे लिए हाँ, इंडिया पाकिस्तान मैच का, कल का जब बाबर को आउट कर दिया, बाबर आजम एग्जैक्टली, वो तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था वो, उसके बाद से मैच लगा कि हम चढ़ गए उन पे। तो जब बाबर को आउट कर दिया वो बड़ा मज़ा आया। थैंक यू सो वेरी मच।